गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग बुलेटिन में मैं राकेश जी आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, और कल डाउ जोन्स में भी हमने देखा कल एक 79.80 पॉइंट की एक छोटी सी गिरावट थी। और पूरे दिन भर अगर हम लोग मार्केट को चेक करते हैं तो बिल्कुल साइडवेज था, एक बार गिर गया फिर संभला थोड़ा और फिर पूरे एक रेंज में घूमता रहा। आज का डाउ फ्यूचर को भी देखते हैं तो वहाँ भी कोई भी वैसी चाल नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल सपाट है। और बाकी के भी मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल सपाट है। देखिए नैस्डैक तीन पॉइंट गिरा हुआ है, ये यूके का पॉइंट 4 पॉइंट बढ़ा हुआ था, कल डैक्स केवल 4 पॉइंट बढ़ा हुआ था, 12 पॉइंट बढ़ा हुआ था। हांगकॉन्ग देखेंगे तो केवल 37 पॉइंट बढ़ा हुआ है, ये 4 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और निकाय 21 पॉइंट, मतलब कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल सपाट। कोई जो मार्केट है जहाँ ऐसा कोई मार्केट नहीं जहाँ कोई बड़ी मूवमेंट आती हुआ आपको दिख रही है। तो मार्केट किसी क्लूज़ के अभी तलाश में, अभी कोई क्लूज़ नहीं है और कोई बड़ी घटना सामने है नहीं, तो ऐसे में मार्केट अपना आपको बिल्कुल शांत रखे हुए हैं। और इसी का असर हमारे भारतीय बाज़ार पे भी पड़ता हुआ हमको दिखेगा। तो निफ्टी में भी कल भी मैंने बताया था एक बहुत साइडवेज मूवमेंट हो सकती है, तो बहुत छोटी रेंज में ही हमने निफ्टी को कल मूव करते देखा। और ये मूव अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मूव सेम थी, और जहाँ जहाँ मैंने कल लेवल दी थी देखने के लिए ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड हुआ है। ये देखिए कल का भी सेम लेवल था, ये जो मैंने दिया था यहाँ, यहीं टच करके नीचे आया फिर सेम नीचे और फिर यही दी। तो आज की लेवल्स में ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है, एक छोटा सा फ़र्क ये किया है मैंने कि जो बाउंड्री लाइन थी उसको जस्ट थोड़ा सा नीचे खींच कर लाया, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। 10 पॉइंट बाउंड्री लाइन नीचे खींची है, बाकी सारे लेवल्स कल के ही है और आपको यही काम करना है। लेकिन आज फर्क यह है कि कल हम लोग ऊपर से नीचे आए थे, आज थोड़े से नीचे से ऊपर जा सकते हैं क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी कुछ छोटी सी बढ़त दिखा रहा है, करीब करीब 29 पॉइंट की है ना। तो 29 पॉइंट की जो बढ़त है वो ही हमको एक उम्मीद है कि आज हम लोग शुरू में पहले ऊपर खुलेंगे और फिर थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। और ये ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं तो 17,666 तक जा सकते हैं, फिर वहाँ देखना होगा कि क्या उस लेवल को हम लोग तोड़ते हैं। अगर वो लेवल जैसे ही तोड़ते हैं तो हमको फिर बाय करना है, फिर हमारे ऊपर के टारगेट होंगे 17,710 और 17,757, बस ये दो टारगेट्स के लिए हमको बाय करना है। नीचे अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं या ऊपर चढ़ के फिर थोड़ा तुरंत वापस आ जाते हैं, तो हमारे नीचे की जो लेवल्स होगी वो होगी एक्चुअली 17,610 और 17,574 के, जो दो टारगेट्स आपको नीचे के लिए आपको दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ छोटी सी जो चेंजेस वो इतना ही किया है कि यहाँ भी मैंने जो मेरी बाउंड्री है उसको थोड़ा ऊपर किया हुआ है, निफ्टी की बाउंड्री को थोड़ा नीचे किया था, इसकी बाउंड्री को थोड़ा ऊपर किया हुआ है। और अब हमारी बाउंड्री जो होगी वो 42,250 की होगी। ओके, तो 42,250 हमारी बाउंड्री होगी। अब जहाँ से हम लोग खुलेंगे वहाँ से थोड़ा ऊपर तो जाएंगे, तो ये लेवल होगा, अगर ये ब्रेक होती है तो बाय करना है। फिर ऊपर के टारगेट होंगे 42,360 और 42,500 के। अगर इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर शॉर्ट करेंगे, फिर नीचे हमारी नीचे के टारगेट्स होंगे 41,996 और 41,791 के। तो दोस्तों ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से होती है, लेवल दिखा के आपको समझाने की कोशिश होती है कि कैसे इसको देखा जाए और कहाँ आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पे करना है। तो जो लोग कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं मेरे साथ और कुछ अकाउंट खोलने के बाद कुछ
मेरे स्टॉक्स के, मेरे रिकमेंडेशन के कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो वो मेरे लिंक में दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स में अब स्टॉक्स में स्टॉक हो सकते हैं फ्री डीमेट अकाउंट के साथ में, और वो मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के। धन्यवाद, नमस्कार।